मैडम सर हाँ आप डांस सीखना चाहती हैं? बिल्लो के रिपोर्ट के हिसाब से ये पूनम इसकी अमित की बहन यहाँ पर छोटे बच्चों को डांस सिखाती है ठीक है और अमित उसे रोज इसी टाइम पर छोड़ने आता है तू जा मैं एक घंटे में लेने आऊंगा ओके एक घंटा है हमारे पास क्या करना है हमें हमें कैसे भी करके पूनम को महिला पुलिस थाने लेके जाना है अनऑफिशियल ओके और उससे क्या होगा क्योंकि उससे पूनम हमारे प्लान में शामिल हो जाएगी और वो हमारा साथ देगी करेक्ट परफेक्ट लेकिन एक चीज याद रखना हमारे पास सिर्फ आज शाम तक का टाइम है इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए हाँ मैडम सर पर एक बात समझ नहीं आ रही है मुझे क्या अमित हमें पूनम को क्यों लेके जाने देगा साथ में वो दोनों तो भाई बहन है ना हाँ जाने देगा आप जब इसे सीरियस होकर देखती है ना तो कुछ उल्टा ही होता है और हमको बहुत डर लगता है अच्छा सुनो तुम पूनम को लेकर घर जाओ हम तुम्हें बल्ली की दुकान में मिलते हैं ठीक है चीता कहाँ हो तुम वो निकल जाएगी हाँ मैडम सर हम यहीं पर हैं मैडम सर लेकिन क्या है ना कि हमको थोड़ा सा डर लग रहा है क्या ये कमीना आदमी कहीं फिर से छेड़ दिया तो अरे डरने का समय थोड़ी है चीता मर्द बनो मर्द बनो मैडम सर हम मरा भी थे आपके कहने पर औरत बने आप बोलिए ना हम क्या बने मर्द बने की औरत बने देखो टाइम मत वेस्ट करो जो कहा है वो चुपचाप करो और जल्दी आओ ठीक है मैडम सर ऑल द बेस्ट चीता जी आई मेरा नाम पिंकी है और ये पास में ना हमारा लेडीज का एक ग्रुप है तो हम लोग ना ऐसे मतलब ऐसे एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप हमें डांस सिखाएंगे क्या प्लीज आई कैन पे यू 1000 फॉर 1 आवर मुंह चुपा रहा है क्यों चुपाएगा ही ना याद है उस दिन सारे आम सड़क पर उसने कितनी बदतमीजी की थी चीता के साथ चीता नहीं चिमरन के साथ की थी हाँ वही चिमरन अब बहन के सामने भांडा थोड़ी ना फूटने दे सकता है इसलिए मुंह छुपा रहा है देखिए प्लीज ना मत बोलिएगा मैंने ना आपके बच्चों से आपकी बहुत तारीफ सुनी है और हमारा ना बहुत मन है कि हम लोग ना आपसे डांस सीखें प्लीज प्लीज आई कैन इवन पे यू 2000 फॉर 1 आवर आई एम सो सॉरी मैम पर मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी वो एक्चुअली क्या है ना मेरे भाई अलाउ नहीं करेंगे क्यों कौन भाई ये भाई जी एक बार पूछ कर तो देखी कहीं अलाउ ही कर दे भाई क्या मैं जा सकती हूँ नहीं बिल्कुल नहीं अरे भाई साहब मान जाइए ना अरे अरे बोला ना नहीं आप जाइए यहाँ से अरे सुनिए तो इधर देखिए तो सही अरे जाइए ना Oh my God! इनकी शक्ल क्या क्या हुआ इनकी शक्ल को इनकी शक्ल तो किसी से मिलती जुलती सी लग रही है किससे मिल रही है नहीं मिला था कल एक चीप स्टोर थर्ड क्लास वाहियात घटिया सा आदमी मुझे छेड़ रहा था पर ये वो तो नहीं हो सकती ना अपनी शक्ल दिखाई जरा हेलमेट तो हटाइए एक मिनट भाई साहब हेलो सुनिए तो हेलमेट अरे हेलमेट छोड़िए ना आप दूर रहिए अच्छा ठीक है पूनम ऐसा करो तुम इनके साथ जाओ मैं एक घंटे में आता हूँ तुम्हें लेने जी भैया मान गए भैया मान गए भैया तो मान गए चलो चलो उसके पहुँचने से पहले हमें थाने पहुँचना होगा चल ये तो महिला पुलिस थाना है ना हाँ तो यहाँ की महिलाओं को ही तो डांस सिखाना है क्या है कि यहाँ की पुलिस वाली भी पुलिस वाले से पहले महिला ही तो है वो देखिए बोर्ड पे भी लिखा हुआ है महिला हेलो वेलकम हम हैं हसीना मलिक इस थाने की SHO आपने यहाँ तक आने की जहमत उठाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाह तो आप इन्हें डांस सिखाएगी वेलकम मैडम वेलकम हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आइए ना आइए आइए अंदर चलिए ये भी महिला ही है आइए आइए आइए
तो ये है हमारा महिला पुलिस थाना। पुष्पा जी और संतोष, हम लोग रिहर्सल के लिए चेंज कर लेते हैं। जी मैडम सर। आप लोग जाइए, हम आते हैं। चीता पिंकी, इन्हें रिहर्सल रूम में ले जाओ। जी मैडम, आइए आइए मैडम। थाना बंद होने जा रहा है और यहाँ पे इंटर डांस थाना कॉम्पिटिशन का प्रैक्टिस चलेगा। थोड़ा ही समय बचा है मैडम सर, हमें इजाजत दीजिए, हम जाते हैं और इस केस को अपने तरीका से निपटा कराते हैं। आप बोलने से पहले कभी नहीं सोचती ना, हम अब भी मिशन पर हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। वो पूनम है, अमित की बहन, जिसे हमने यहाँ पर बुलाया है अपने प्लान में शामिल करने के लिए। आप समझ में आया? ठीक है, आप ये भी कर लीजिए, लेकिन देख लीजिएगा इस बार ये केस ना हमारे तरीके से ही निपटेगा। देखते हैं। 5, 6, 7, 8, go. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okay, so आप लोग का बहुत अच्छा जा रहा है, ये थोड़ा ऑफ बीट जा रहा है। मेरा मेरा सोलो कैसे बहुत प्रॉब्लम है। आपने मुझे डुएट दे दीजिए इनके साथ, मैं मस्त नाचूंगी। अकेले भी चलेगा। इट्स ओके, मैं लास्ट में आपको इनके साथ एक स्टेप दे दूंगी। थैंक यू मैडम सर। उसके साथ बात कब करेंगे? रुको, थोड़ा भी ट्रस्ट और बिल्ड होने दो। करते। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप अपना राइट पैर सब आगे करेंगे। ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मैम प्लीज, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। पूनम एक बार हमारी, मैम पूनम रुको, रिलैक्स, एक बार हमारी बात बस शांति से सुन लो, उसके बाद तुम्हें चली जाना है तो तुम चले जाना। हम मानते हैं कि हमने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया है, लेकिन हमारा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं बल्कि तुम्हारी मदद मांगना है। मदद? पुलिस तो आप लोग हैं ना, तो मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? एग्जैक्टली, हम पुलिस हैं, महिला पुलिस, और आज इस महिला पुलिस थाने को एक दूसरी महिला की जरूरत है। मतलब? बताते हैं। संतोष, FIR। ये देखो, ये है वो FIR रिपोर्ट जो तुम्हारे भाई अमित के खिलाफ दर्ज की गई। तुम्हारे भाई अमित पर सरेआम लड़कियों के साथ बदतमीजी और उन्हें छेड़ने का आरोप है। ये क्या बोल रही हैं आप मैम? मेरा भाई ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। आप सब लोग मिलके झूठ बोल रहे हैं। आई नो, आप लोग की ये चाल है ना मेरे भाई को फंसाने के लिए। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आप लोग की बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा कभी कोई काम कर ही नहीं सकता है। सो प्लीज मुझे जाने दीजिए। पूनम, तेरी वजह से ये प्लान भी फेल हो गया। हमारी वजह से? हमारी वजह से कौन मर रहा है तुम उनको? नहीं तो क्या, ये टिका कर नहीं रख सकते थे? ये भी करके देख लिया मैडम सर आपने, और कुछ भी ट्राई करना है या फिर हम जाए अपने तरीका से निपट कर आए? तजुर्बा कहता है हमारा कि हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो है जो हार मान लेता है। और हम हार नहीं मानते, खासकर तब जब जीतने की जर्रा भर उम्मीद भी बाकी हो। कुछ ना कुछ तो हम सोच ही लेंगे, इसलिए आप सब्र रखिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। जी मैडम सर। संतोष शर्मा। मैडम सर, पूनम को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। बिल्लू, देखा, हमने कहा था ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें मेहनत से कमाई का महत्व समझ में आएगा। देखो वो दिन आ ही गया। चोरी चकरी छोड़कर आखिरकार तुम आ ही गए सही रास्ते पे। तो अब कल से रोज 2 लीटर दूध घर पहुंचाना है ना। हम तो माँ जैसे हैं ना तुम्हारे। माँ से भला कोई पैसे लेता है क्या? माँ के लिए तो सब कुछ मुफ्त होता है। मुफ्त? कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है?
मैडम सर के कहने पे वो पूनम पे नजर रख के खबर निकालने के लिए गए थे। बिल्लू कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, वो पूनम ने दूध लेने से मना कर दिया, वो सबके सब ग्रीन टी पीते। हेल्थ कॉन्शियस कहिए। मगर मैडम सर अब क्या करेंगे हम, दो दिन खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। मम्मी रिश्ते के लिए डीएसपी सर का है। जय हिंद सर। जय हिंद। केस सॉल्व हुआ मिस मालिक? नहीं सर अभी तक नहीं। आपको पता है ना आज शाम तक का ही टाइम है आपके पास, उसके बाद महिला पुलिस थाने की जगह सामान्य पुलिस थाने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। मैं फोन तिरंगा फहराऊंगा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर और नए पुलिस थाने का शुभारंभ कर दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, इससे अच्छा दिन और क्या होगा। लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए, लोगों के मन में खासतौर पर औरतों के मन में यह डर पैदा करने के लिए कि अगर वो सड़क पर अकेली चढ़ती हैं और कोई उन्हें छेड़ता है तो कोई नहीं उनकी सुरक्षा के लिए। हम सब जानते हैं ज्यादा जज्बाती होने की आवश्यकता नहीं है, समझ गई आप? अगर महिला पुलिस थाना काम ही नहीं करेगा तो महिला पुलिस थाना बंद तो करना पड़ेगा ना। सॉरी सर लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। अब भी कुछ घंटे हैं दो दिन पूरे होने में, ये महिला पुलिस थाना बंद नहीं होगा। ठीक है मिस मलिक, अब देखते हैं कि थाना जाता है या आप जाती हैं या सामान्य थाना आता है। देखते हैं सर। जय हिंद। मैडम सर बाहर कोई आया है। कौन? आप खुद देख लीजिए ना बाहर कौन आया है। चलो ना? मैडम सर ये तो कमाल हो गया, पर इन्हें कौन लेकर आया यहाँ? हम। हम लाए हैं। ये देखिए कौन लेकर आया है। अब अगर ये लेकर आई हैं तो सब जानते हैं किस तरीके से लेकर आई होंगी। दो दिन भी आपसे सब्र नहीं हुआ ना, उठ ही गया ना आपका डंडा। पुष्पा जी हमने वादा किया है कि जितना भी समय बचा है हम अपना डंडा नहीं उठाएंगे। हम इनको लाए जरूर हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा आप सोच रही हैं। असल में करिश्मा मैडम इन सबको हमारे पास लेकर आई थी। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब जानने के बाद हमें पता चल गया कि आप लोग गलत नहीं हैं। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे भाई का एक ऐसा रूप भी हो सकता है। मैडम मैं आप सबके साथ हूँ, आप लोग बताइए मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ। पूनम तुम जो कर रही हो वो बहुत ही मुश्किल और बहुत हिम्मत का काम है। तुम्हारे भाई से हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बस हम इस सोच को बदलना चाहते हैं जो अब हम तुम्हारी मदद से करेंगे। करिश्मा सिंह आपने आज पहली बार सही समय पर सही तरीके से सही काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू टू। बहुरानी किसकी है? मैडम सर हम जानते थे कि इस केस में आपको हमारा जरूरत जरूर पड़ेगा, आखिर करिश्मा सिंह का भौकाल किसी डंडे का मोहताज नहीं है। तो मैडम सर अब हमें क्या करना चाहिए? आ गई आ गई। अरे यार ये फोन में अभी बारिश नहीं आना था, क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ घर के अंदर। हाँ क्या तो बता रही हूँ हम यहाँ पे हैं। तो उसके कान में जाके बोलना कि हम यहाँ हैं। अम्मा क्या है जड़ बुद्धि, फोन लगा उसको। ओ ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ कनेक्टेड है ना। हेलो कहाँ हैं आप लोग? इधर ही है, तुम तैयार हो ना? जल्दी आइए।
हाँ ठीक है। बिल्ले 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 डायरेक्ट। हाँ तो लगा हुआ था ना पहले से। हाँ। बिल्ले सुन, हाँ रेडी है ना, चलो शुरू हो जा। और यो छमिया नमस्ते। बिल्ले दावत में आया है तू, ये नमस्ते नमस्ते क्या चला रखा है? जो काम करने के लिए भेजा है जल्दी कर, चल। ओके से आई विल ट्राई। अरे छमिया, अरे चिल्ला, बचाओ बचाओ, चिल्ला बचाओ बचाओ। ए गुड़बक ये कहां है? बचाओ बचाओ, जोर से जोर से चिल्ला, बचाओ बचाओ मां। अरे तुम्हारे घर के सब लोग बहरा है का? बचाओ माँ। घंटी बजे की घंटी, छोड़ो मेरी बेटी को छोड़ो। अरे कौन हो तुम लोग, छोड़ो छोड़ो मेरी बेटी को छोड़ो। छोड़ो ओ बेबी। अरे आंटी जी, हम ले जाएंगे मजाक मजाक में और छोड़ भी देंगे मजाक मजाक, क्या समझे? चल हाथ दही जरा कनाती। अरे क्या ठीक कहा है, गलिया रही हो, झूठे झूठ बुरा हम लोग सुनाएंगे, झूठे इधर सुनिएगा, छोड़ दे, चल भाई बैठा। अरे अमित के पापा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, कुछ लोग अपने पूनम को किडनैप करके लेके चले गए। हाँ बचा लीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम हो गया मैडम जी। शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स, शांति से बताइए हुआ क्या है? वे कौन है वे? कौन है वे जो हमारी बहन को उठा लाया? जानते भी हो किसकी बहन है वो? पता लगाइए, बता रहे हैं छोड़ेंगे नहीं किसी को। तुम टोपा हो का बे? पता नहीं है जब बड़ा बात करते हैं तो छोटों को बकर बकर नहीं करना चाहिए। हाँ आंटी जी, आप कुछ कह रही थी? मैडम जी कुछ लोग आए और मेरी बेटी को उठाकर लेके चले गए। मैडम जी क्या बात कर रही है, कौन? हमको नहीं पता कि कौन थे लोग। अरे कुछ बताकर तो गए होंगे। नहीं मैडम जी, बस कह रहे थे कि हम मजाक करने के लिए लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस कर देंगे। हमारी बच्ची गायब हुई है और आप लोगों को हंसी आ रही है? तब हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, खुद ही तो कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, छोड़ जाएंगे बेटी को, तो फिर आप थाने तक क्यों आ गए? आंटी जी आप कह रही थी ना उस दिन कि आपका जो बच्चा है वो कभी कभी मजाक कर लेता है, अब किसी और ने मजाक कर लिया तो आप ऐसा बवाल कर रही हैं। मैडम इस बात के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मदद कीजिए, हमारी बेटी को ढूंढ के निकालिए प्लीज मैडम प्लीज। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि जब आपका बेटा मजाक करता है तो लड़कियों पर क्या गुजरती है। देखिए छेड़ना अलग बात है, किडनैप नहीं किया हमने किसी का, बस छेड़ा है। तेरी गलती की सजा मेरी पूनम को मिली है, हाजी ये दिन देखना पड़ रहा है तेरी वजह से। नहीं नहीं आंटी, गलती सिर्फ इनका नहीं है, गलती आपका भी है, बल्कि हम तो कहते हैं सबसे बड़ा गलती ही आपका है। सही समय पे सही शिक्षा दिया होता ना इसको और समझाया होता कि लड़कियों का सम्मान कैसे किया जाता है तो आज ये नौबत नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम, बहुत लाड़ प्यार देते हैं हम अपने बेटे को लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। माफ कर दीजिएगा मैडम जी। मैडम जी हमारी गलतियों की सजा हमारी बच्ची को मत दीजिए, उसे बचा लीजिए मैडम जी, हम आपके पास। नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप पैसा मत करिए, आप आइए। मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? मैडम जी ये यहाँ कैसे? ये सब नाटक था। नाटक जी, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जिस चीज को आपका बेटा मजाक कहता है वो एक लड़की के वजूद का सवाल है, और इस सब में हमारा साथ दिया आपकी बेटी ने। आप तो मेरे हीरो थे ना, तो आपने ये सब क्यों किया? मुझे माफ कर दे बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं। हाय आपको हमसे नहीं किसी और से माफी मांगनी चाहिए।
भी माफ कर दीजिए। It's okay. उनसे तो माफी मांग लिए, हमसे कब मांगोगे? हमको भी तो छेड़े होते तुम। तुम्हें कब छेड़ा यार? हाँ, इतनी जल्दी भूल गए तुम? तुम हो? हाँ बेटा, हम वही हैं। चलो चलो पीछे चलो, चलो वहीं पर खड़े होके माफी मांगो तुम हमसे, डबल माफी मांगो। आपसे भी सुनते जी, सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। हमारी अम्मा कहती है कि दिल से जो पछताए ना उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन कहा है कि बेटा गलती तो तुम बहुत किए हो, चुपचाप कान पड़ के 10 बार उठक बैठक लगाओ। अरे मुंह मत ताको बाबू, शुरू करो। एक, वाह क्या बात है। जय हिंद सर। जय हिंद। मिस मलिक, आपने कहा था कि 2 दिन के अंदर केस सॉल्व हो जाएगा, और 2 दिन में केस सॉल्व कर दिया आपने। आखिरकार थाना बंद होने से बचा ही लिया। हम सबने मिलके किया है सर। हमारे देश को आजादी मिले आज इतने साल हो गए, लेकिन निडरता से जीने की आजादी हमें अब भी नहीं मिली। औरत को कमजोर समझना जितना बड़ा गुनाह है, उसकी सजा उतनी ही कम। कानून जब बदले तब बदले, पहले हमें इस ओछी मानसिकता को बदलना होगा, और उसके लिए कोई कितना भी रोके हम रुकेंगे नहीं, कोई कितना भी टोके हार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता और स्वाभिमान से जीना हमारा पहला हक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आओ अपनी आजादी का हक अदा करो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.